तो नीच का ग्रह आपको स्वास्थ्य के अनुकूल कभी भी नहीं होता। मित्रों, यह आप बात अपने गांठ बांध लें। दूसरा, वह क्या कार्य करता है? नीच का ग्रह स्ट्रेंथ में काफ़ी कमज़ोर होता है, वो उतना ताकतवर नहीं रह जाता जितना कि उसको काम करने के लिए होना चाहिए। अर्थात असक्षम ग्रह अपने परिणामों को भली भांति देने में सक्षम नहीं होता। अक्सर नीच राशि के ग्रह जो होते हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं, यानी कि कभी वो परिणाम काफ़ी ख़राब दे देते हैं, कभी किसी मामले में ठीक दे देते हैं। उनका फलाफल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर भी आपने ये मान लेना है कि वह ग्रह जिन भी भाव का अधिपति है उससे संबंधित फलाफल बिगड़ गया। फॉर एग्जाम्पल, मेष लगन की कुंडली में यदि पांचवें भाव का स्वामी यानी कि सूर्य तुला राशि में जब बैठते हैं तो नीच राशि के हो जाते हैं। यह नीच राशि के जो सूर्य हैं ये सप्तम भाव को तो पीड़ा देते ही देते हैं, ये पांचवें भाव के स्वामी होने के कारण पांचवें भाव से संबंधित आने वाले इवेंट्स, आने वाले परिणाम को भी रोकने में सक्षम है। अर्थात पांचवें भाव से जैसे कि संतान है, आपका प्रेम संबंध है, आपकी पूर्व साधनाएं हैं, पूर्व जन्म में किए गए मंत्र जाप हैं, आपको अचानक से मिलने वाले गिफ्ट हैं, अचानक से आने वाले आय के सोर्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी आर्ट है, एंटरटेनमेंट है, इन सभी चीज़ों में जीवन में न्यूनता प्राप्त होने लगेगी। तो एक तो यह परिणाम हुआ, और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि वह ग्रह आपको शारीरिक रूप से आपके लिए अच्छा परिणामदायक नहीं माना गया। सूर्य का नीच का हो जाना हेल्थ हैजर्ड्स हो जाएगा। वैसे तो सूर्य वैसे ही हेल्थ के बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं, ओवरऑल हेल्थ जो देखी जाती है वो सूर्य से ही देखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के हो जाते हैं तो उनको जीवन में हमेशा स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना अपने जीवन में बार बार करना पड़ता है। अतः मित्रों, नीच का ग्रह किसी भी स्थिति में बन जाए, आपका चाहे वो नीच भंग राजयोग में क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, हेल्थ के लिए, लिविंग रिलेशनशिप के लिए और भाव की शक्ति के लिए हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। एक कथन भी है, जो ग्रह कमजोर होता है वह उतने ही दुष्परिणाम देने में सक्षम होता है। या आप एक गुरु नानक देव जी का कथन याद रखें, सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है। नीच का ग्रह यानी कि दुखी ग्रह, जो अप्रसन्न है, जो अपनी अवस्था से दुखी है, जो अपनी अवस्था से पीड़ित है, वह ग्रह नीच का है। और दुखी कष्टमय ग्रह आपको क्या परिणाम दे सकता है? आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपको परिणाम देगा। अब मैं आता हूँ, यदि नीच राशि का ग्रह सप्तम भाव में यानी कि विवाह स्थान में हो तो क्या परिणाम होंगे? मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यदि वक्री ग्रह सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। आज उन्हीं सूत्रों को फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूँगा। सर्वप्रथम, कोई भी ग्रह सप्तम भाव में अच्छा परिणाम नहीं देता, और यदि वह ग्रह नीच राशि का होकर के सप्तम भाव में आ जाए तो समझो एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होने लगती है। अर्थात ये बहुत ही डैमेजिंग पॉइंट है। नीच का ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठा है तो
तो यह स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यह हमारे मैरिज लाइफ को डेंट अवश्य ही मारता है। अब आप पूछेंगे जी वो डेंट क्या हो सकता है? डेंट हो सकता है कि आपको सर्वप्रथम देखना है कि वह ग्रह कौन सा है, किस प्रकार का है। ग्रह अपने नेचर के अनुसार, मित्रों एक चीज़ समझ लीजिए ज्योतिष में, हर ग्रह का कुछ चीज़ें उसके साथ पॉजिटिव जुड़ी होती हैं और कुछ चीज़ें उसके साथ नेगेटिव जुड़ी होती हैं। जब भी ग्रह नीच का होता है, नीच राशि में होता है, तो उसका जो नेगेटिव अंश है, जो उसका नकारात्मक पहलू है, वह परिणाम के स्वरूप प्राप्त होने लगता है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सूर्य यश मान सम्मान प्रतिष्ठा ओज तेज और ऊर्जा का, प्रकाश का, लाइट का परिचायक है, यदि सूर्य नीच राशि में हो जाए तो वहीं पर यह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, आत्मा की कमजोरी को दिखाता है, यह स्वास्थ्य की कमजोरी को दिखाता है, यह नेगिंग नेचर देता है सूर्य। सूर्य इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ा देता है और जब आपके दाम्पत्य जीवन में बैठता है तो आपके जीवन साथी की स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। आपके स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि सप्तम भाव का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। यदि सूर्य नीच का बैठा है तो उसको पाचन संबंधी बीमारियां बहुत परेशान करेंगी, पेट बार बार उसको परेशान करेगा। यहां तक भी कहा गया है कि उसको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी विशेष रूप से सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मित्रों, मंगल को मान लीजिए, मंगल नीच राशि का होकर के यदि विवाह स्थान में बैठा है तो मंगल ग्रह का नकारात्मक स्वरूप आपके सामने आएगा। अब मंगल का अच्छा स्वरूप तो है अच्छी ऊर्जा, डिसिप्लिन, बोल्डनेस, न्याय के लिए खड़ा हो जाना, डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर, आपके अंदर की ऊर्जा को जगाने की शक्ति, स्टैमिना, आपकी युवावस्था, ये इसके सब सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष भी है इसका, बेवजह लड़ाइयाँ करवाना, अत्यधिक क्रोध में रहना, लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करना। परंतु मंगल नीच का है तो लड़ने ही करने की, झगड़ा करने की प्रवृत्ति तो आ जाती है पर लड़ने की शक्ति नहीं आती है। अतः जो नीच का मंगल जिन व्यक्तियों का है कुंडली में, वो कभी भी डू एंड डाई की फाइट में विश्वास नहीं रखते। मित्रों वह लोग काफ़ी समझदार हो जाते हैं, परंतु नकारात्मक पक्ष ये है कि वो काफ़ी डरपोक भी होते हैं। वो कभी कभी दब जाते हैं और कभी कभी तो वो अन्याय का साथ दे बैठते हैं, न्याय के फेवर में खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि इतनी हिम्मत, इतना साहस वो जुटा नहीं पाते। और नीच का मंगल जब विवाह स्थान में होता है तो वो अपने जीवन साथी के लिए भी न्यायपूर्वक स्थितियों में खड़े नहीं हो पाते, बेवजह लड़ते रहते हैं, बेवजह गुस्सा करते रहते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन काफ़ी कटु हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बुध ग्रह को देखें तो बुध ग्रह के नकारात्मक रूप, जैसे कि बुद्धिहीनता और साथ में वाक चातुर्यता की कमी होना, साथ में नसों की कमजोरियां हो जाना, जब भी बुध नीच राशि का बैठेगा तो वह कहीं ना कहीं कनेक्ट, जीवन साथी से कनेक्ट नहीं होने देगा आपको, क्योंकि वो एक अच्छा कोऑर्डिनेटर है। बुध को एक अच्छा कोऑर्डिनेटर कहा गया है, वो सही ढंग से अपने जीवन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, अपने जीवन साथी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह यदि नीच राशि में बैठेंगे तो शुक्र का नकारात्मक पहलू दाम्पत्य जीवन पर इम्पैक्ट डालेगा। अब शुक्र का जो नकारात्मक पहलू है वो क्या है आपको समझना होगा। शुक्र आकर्षण है, शुक्र धन है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र चमक दमक है, शुक्र जीवन का जोश है, जीवन की उमंग है, जीवन को अच्छे से जीने का, क्वालिटी ऑफ लाइफ
शुक्र से आती हैं और इंटरनल हैप्पीनेस शुक्र से आती है। शुक्र प्रेम है, शुक्र इस जीवन का रस है। अगर शुक्र नीच राशि में हो जाएगा तो ये आप इन सभी चीज़ों का उल्टा असर मानिए, उसके अंदर का आकर्षण खत्म हो जाता है, जीवन को ढंग से जीने की कला वो भूल जाता है, हमेशा केवल धन की तरफ ललायित रहता है और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी जी नहीं पाता। शुक्र प्रेम संबंधों का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, क्योंकि उसी के अंदर आकर्षण है जिससे प्रेम का जन्म होता है, और वह जब नहीं हो पाता तो प्रेम संबंध उस व्यक्ति के स्थिर नहीं हो पाते। शुक्र ग्रह यदि आपके दाम्पत्य जीवन में नीच राशि के बैठे हैं तो अवश्य ही ये आपके दाम्पत्य जीवन को नरक समान बनाने में सक्षम है। शुक्र नीच राशि के आपके लिए एक श्राप की भांति काम कर सकता है। इसी प्रकार से शनि ग्रह को अगर हम देखें, यदि नीच राशि के हों तो आपको समझना होगा शनि का नकारात्मक पहलू, सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक पहलू है वो उसका सेपरेटिवनेस है। शनि यहाँ पर बैठ करके सेपरेशंस का भाव देते हैं, सबसे जल्दी वह व्यक्ति नकारात्मकता को पकड़ता है और अपने जीवन साथी में केवल और केवल नेगेटिव चीज़ें ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से उसके जीवन के कटु जीवन के रूप में उपस्थित होता है। अतः मित्रों सावधान, यदि किसी भी भाई का या बहन का कोई भी ग्रह नीच का हो करके विवाह स्थान में बैठा है तो अवश्य ही किसी देवज्ञ से, अच्छे देवज्ञ से मिल करके उसका आप जो भी रेमेडी बनती है उस रेमेडी को अवश्य करें, क्योंकि नीच के ग्रह आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों का ही भुगतान है। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि नीच राशि के होते हैं तो चंद्रमा का नकारात्मक पक्ष है अत्यधिक कामुकता, अत्यधिक चंचलता, परंतु जब ये नीच के हो जाते हैं तो अत्यधिक कामुकता जगाने वाला बन जाता है और बहुत ही हाईली प्रैक्टिकल हो जाता है। इवन वो व्यक्ति रिलेशनशिप को बिल्कुल यंत्रवत समझने लगता है, अर्थात यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, तो जीवन कटु हो सकता है। इसी प्रकार से आप देखें कि यदि बृहस्पति ग्रह नीच राशि के होकर के सप्तम भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति तो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ज्ञान का अथाह भंडार है, परंतु यदि ये नीच के होकर के विवाह स्थान में बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन बिखर सकता है, और नीच का गुरु आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसको मतलब आप बिना दिमाग के लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, बिना मतलब की कहा सुनिए अपने आप में होती रहती है, और कभी कभी तो ये भी देखने में आया है कि एक लड़का या लड़की में से कोई एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है और दूसरा बहुत ज़्यादा कामुक हो जाता है, यदि बृहस्पति विवाह स्थान में है तो। अतः सावधानी से इनका इलाज करना होगा। मित्रों मैंने यहाँ पर 7 ग्रह लिए हैं, उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं कि किस प्रकार से नीच ग्रह अगर विवाह स्थान में आ जाए तो कितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में ये उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि सप्तम भाव के स्वामी हो करके कोई भी ग्रह नीच का हो जाए तो दाम्पत्य जीवन चलना बहुत कठिन साध्य हो जाता है, उसका जीवन साथी उसके साथ शत्रुवत व्यवहार करता है और उसे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो दाम्पत्य जीवन ही है, और वह व्यक्ति अपने विवाह को एक एक्सीडेंट के समान समझने लग जाता है। अतः यहाँ पर अब एक समस्या हो जाती है, एक उत्पन्न हो जाती है, आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि नीच का ग्रह मैरिज लाइफ के लिए इतना ख़राब है तो इसका उपचार क्या किया जाए।
मित्रों, यदि समस्या है तो समाधान भी है। मंत्र, मणि, औषधि, दान और कर्म, ये 5 टूल हैं जिनके माध्यम से आप इलाज कर सकते हो। फिर भी मैंने अपने 15 साल के ज्योतिष के अध्ययन काल में पाया है कि यदि कोई ग्रह नीच राशि में आपका बैठा हुआ है तो 2 चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। वह है सर्वप्रथम मंत्र जाप और दूसरा है दान। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह नीच राशि में है तो आप उस ग्रह का जितना हो सके जाप करें। यदि आपके पास समय अभाव है तो किसी श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मण के माध्यम से आप अपने जाप करवा भी सकते हैं। हो सके तो स्वयं करने का भी प्रयास कीजिए। आप मंत्र वैदिक जाप भी करवा सकते हैं। आप तांत्रोक्त विधि से बीज मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। आपको आने वाले वीडियो में मैं समय समय पर बताऊंगा कि जाप किस प्रकार से किया जाता है, कितनी संख्या में जाप होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसका मुहूर्त कैसा होना चाहिए। यह भी आने वाले समय में हम मंत्र मेडिटेशन YouTube चैनल पर ये सभी वीडियोस डालने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। मित्रों, दूसरी चीज़ है दान। दान से आत्मा का बल बढ़ता है। अतः जो भी ग्रह नीच राशि का है उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, यानी कि जो कारक वस्तुएं हैं, उनका दान आप करना आरंभ कर दीजिए। पूर्ण विधि विधान के साथ आप कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यह जो रेमेडी है ये केवल 1 या 2 सप्ताह भर कर देने से नहीं होगी। नीच के ग्रह का उपचार में कई वर्ष भी लग सकते हैं। 3 वर्ष तक कम से कम नीच के ग्रह का उपचार आपको अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, आज का जो प्रश्न था उसका ये उत्तर है कि जिस प्रकार से फलाफल है कि नीच के ग्रहों का फलाफल कैसे किया जाए और उनका उपचार किस प्रकार से किया जाए। मित्रों, यदि आपके मस्तिष्क में भी किसी भी प्रकार का ज्योतिष या अध्यात्म से संबंधित कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता है तो आप मेरे हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं उस प्रश्न को, या आप मेरे मंत्र मेडिटेशन @gmail.com ईमेल आईडी पर भी आप अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, या आप मेरे मोबाइल फ़ोन के द्वारा मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो बना करके दिया जाए तो वह भी हम कर सकते हैं। आपका यह चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।